जनरल विपिन सिंह रावत अब हमारे बीच नहीं रहे। इसका गम 150 करोड़ हिंदुस्तानियों में पूरी तरीके से देखने को मिला। जनरल रावत की अंतिम विदाई में क्या आम क्या खास सभी शामिल थे, क्योंकि उनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी। मगर विपिन सिंह रावत के यूं चले जाने के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यह चर्चे में है कि आखिर अब भारत के अगले CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन होंगे। खबरों का बाजार गर्म है और इस पद की पूर्ति के लिए जो नाम सबसे ज़्यादा चर्चे में है वो है मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे कौन हैं, क्या हैं और उनकी पूरी जीवनी क्या है, चलिए आज हम आपके सामने पेश करते हैं। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का जन्म 22 अप्रैल 1960 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। उनका उम्र 61 वर्ष है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा ज्ञान प्रबोधिनी पाठशाला पुणे से की। उनके पिता का नाम मुकुंद नरवणे है और वहीं उनकी माता जी का नाम सुधा नरवणे है। मनोज मुकुंद नरवणे अपनी शादी वीना नरवणे से की। मनोज मुकुंद नरवणे भारतीय सेना में पिछले 41 वर्षों से कार्यरत हैं। ये एक होनहार सेना अधिकारी हैं। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं। उनकी नियुक्ति 31 दिसंबर 2019 में इस पद के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के समक्ष की गई। वह इस समय भारत के 28वें थल सेना अध्यक्ष हैं। उन्होंने इस पद का ग्रहण विपिन सिंह रावत की जगह ली थी, जो कि भारत के 27वें सेनाध्यक्ष थे। वे इस पद को लगभग 3 साल से संभाल रहे हैं। मनोज मुकुंद नरवणे को उनकी बहादुरी और शौर्य के लिए काफ़ी पुरस्कार और सम्मान भी मिल चुका है। उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक एवं विशिष्ट सेवा पदक से भी नवाजा जा चुका है।